समकालीन विश्व राजनीति, ट्वेल्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर वन। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों शीत युद्ध का दौर। चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का दौर, और ये जो हमारा आज का वीडियो होगा ये बेस्ड होगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के ऊपर, जो आने वाले बोर्ड के एग्जाम्स में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को आज चुना है, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आज हम शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर, ये हमारे आज के चैप्टर का नाम है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर वन। सबसे पहले दोस्तों हमें कोई भी चैप्टर जो है अपनी कहानी अपने नाम से ही काफ़ी हद तक बयां कर देती है, तो हमें सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम उस चैप्टर के नाम को समझने का प्रयास करें। और आज का हमारा चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम दौर की बात कर रहे हैं, और जब भी दौर की बात हो ये रेस वाला दौर नहीं दोस्तों, ये कालक्रम की बात कर रहे हैं। और कौन सा कालक्रम? शीत युद्ध का कालक्रम, कि शीत युद्ध का जो कालक्रम चला, जो चला शीत युद्ध का कालक्रम, उसके बीच में कौन कौन सी घटनाएँ हुई। नंबर एक, उन घटनाओं को हम पढ़ेंगे। दूसरा दोस्तों युद्ध, युद्ध का तात्पर्य या अर्थ यही होता है सामान्य रूप से कि लड़ना, युद्ध करना, एक देश का दूसरे देश से युद्ध होना। लेकिन यहाँ पे जो युद्ध है वो शीत युद्ध की बात हो रही है, यानी कोल्ड वॉर। तो ज़रूर ये युद्ध जो है कहीं ना कहीं विचित्र होगा, और इसी विचित्र युद्ध को जो है शीत युद्ध कहा गया है। और इसको आज हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर शीत युद्ध होता क्या है। तो इस चैप्टर के अर्थ को समझने के बाद, इसके नाम को, हम हमारे मन में एक कॉन्सेप्ट बनना चाहिए कि आखिर इस चैप्टर में होगा क्या क्या। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही उठेगा कि शीत युद्ध की आखिर शुरुआत कब हुई। तो मैं आपकी अगर शुरुआत के बारे में बताऊं तो इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी। और अब हम अर्थ पे आते हैं कि शीत युद्ध था क्या या शीत युद्ध का क्या अर्थ है। तो शीत युद्ध जो है दोस्तों वास्तव में ये कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, यह एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध था। ये युद्ध की स्थिति थी, ये तनाव की स्थिति थी, भय की स्थिति थी और ईर्ष्या की स्थिति थी। तो ये कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, बल्कि वास्तविक युद्ध ना होते हुए भी युद्ध की स्थिति में परिस्थितियाँ थी, तनाव था, भय था और ईर्ष्या थी। और ये भय, ईर्ष्या और तनाव जिन दो गुटों के बीच था, उस गुट को हम जानते हैं अमेरिकी गुट के नाम से और सोवियत गुट के नाम से। हम ये भी कह सकते हैं पूंजीवादी गुट या फिर साम्यवादी गुट। तो ये जो तनाव की स्थिति, भय की स्थिति या जो शीत युद्ध जो चला, ये दो गुटों के बीच चला। और ये जो दो गुट थे वो था अमेरिका और सोवियत संघ, यानी कि पश्चिमी गुट और साम्यवादी गुट। दोनों गुट विश्व पर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। दोनों का उद्देश्य एक ही था कि विश्व को अपना प्रभाव जमाएं और अधिक से अधिक देशों को अपने खेमे में शामिल करें। अगला पॉइंट इसी के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। अब जब एक दूसरे के ऊपर अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास करेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं ये लोग संगठन करेंगे, संगठन का निर्माण करेंगे, कुछ समझौते करेंगे। तो इसी क्रम में अमेरिका ने 1949 में नाटो की स्थापना की, उसके बाद 1954 में सीटो की स्थापना और 1955 में सेंटो की स्थापना की। ये क्वेश्चंस जो है अक्सर आपके एक नंबर के क्वेश्चंस में आपके बन सकते हैं कि नाटो की स्थापना कब हुई, सेंटो की स्थापना और सेंटो की सीटो की स्थापना कब हुई। तो ये तीनों नाम और इनकी स्थापना की जो साल है आपको याद रखने हैं। नाटो की स्थापना 1949 में, सीटो 1954 और सेंटो 1955 में स्थापित किया गया। अब जब अमेरिका ने अपने गुटों का निर्माण किया या नाटो, सीटो और सेंटो का निर्माण किया, तो ये एक संभव सी बात है, एक ये निश्चित ही बात है कि सोवियत संघ भी जरूर इसका जवाब देगा। और सोवियत संघ ने इसके जवाब में वारसा पैक्ट का निर्माण किया। और वारसा पैक्ट का कब हुआ गठन इसका? 1955 में। और ये किसके उत्तर में था? नाटो के उत्तर में सोवियत संघ का एक गठबंधन था, या फिर एक कह सकते हैं एक पैक्ट था, जिसे वारसा पैक्ट के नाम से जानते हैं। अब जब हम राजनीति के बारे में या किसी भी स्थिति के बारे में बात करते हैं तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसमें भारत की स्थिति को देखने का प्रयास करें। तो अब यहाँ पर भी हम अब भारत की स्थिति को देखेंगे कि भारत ने आखिर इस शीत युद्ध के दौर में क्या किया। तो हम अगर बात करते हैं भारत की, तो भारत जो दोस्तों उस समय नौ स्वतंत्र राष्ट्र था, 1947 में भारत को आज़ादी मिली, और उसके सामने बहुत ही बड़ी समस्या थी कि आखिर वह किस गुट में शामिल हो। लेकिन भारत ने और हमारे जो नेताओं ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उन्होंने किसी भी गुट में शामिल ना होने का निर्णय किया और गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, इसी से आप समझ जाएंगे कि हमारे सामने आने वाले क्वेश्चंस किस प्रकार के होंगे। तो हमारा क्वेश्चंस भी कुछ इसी प्रकार का बनेगा कि शीत युद्ध का क्या अर्थ है,
और दोनों गुटों के बारे में कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, नाटो सीटो और सेंटो के बारे में, वर्सा पैक्ट और भारत की स्थिति और गुट निरपेक्ष की स्थिति के बारे में हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। थोड़ा और आगे हम जाते हैं शीत युद्ध के दौर में, तो उसके बाद एक नई स्थिति सामने आती है और यह स्थिति होती है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की, जो कि विकासशील देशों के द्वारा जिसका जन्म दिया गया। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आप मोटे तौर पर समझ चुके होंगे कि इस चैप्टर्स में हमें किन क्वेश्चनों को या किन बिंदुओं के बारे में चर्चा करनी है और जानना है। तो आप एक एक करके उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। तो शीत युद्ध आखिर था क्या? शीत युद्ध जो है कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, बल्कि एक तनाव की स्थिति थी, और ये तनाव की स्थिति दो पूर्व मित्र राष्ट्रों के बीच थी। याद रखिएगा दोस्तों, मित्र राष्ट्र, इसके बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मित्र राष्ट्र कैसे थे। यहाँ पे आप देखेंगे कि शीत युद्ध जो है एक तनाव की स्थिति थी, और ये थी किसके बीच? ये अमेरिका के बीच और सोवियत संघ के बीच। शीत युद्ध दो गुटों के मध्य ऐसी युद्ध जैसी स्थिति से थी जो वास्तव में युद्ध नहीं था। हमने पहले भी जाना कि ये कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, यह केवल युद्ध की एक स्थिति थी। और इसमें हुआ क्या कि दोनों गुटों के बीच हमेशा सैनिक प्रतिद्वंद्वता चलती रही और गुप्तचरी चलती रही, यानी एक दूसरे के साथ एक आर्मी का लेकर सैनिक को लेकर सैनिका का सैनिकों को लेकर कंपटीशन चलता रहा और गुप्तचरी करते रहे ये दोनों ही देश एक दूसरे का, एक दूसरे की जो भी उनके आंतरिक जो भी क्रियाकलाप चल रहे थे उनको जानने का प्रयास कर रहे थे, और दोनों ने अपनी सेनाओं को बिल्ड करने का प्रयास किया। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था, इसे हम मनोवैज्ञानिक युद्ध भी कह सकते हैं। इस युद्ध में हुआ क्या दोस्तों कि दोनों ने अपने समर्थकों का बढ़ाने का प्रयास किया। सोवियत संघ विश्व के अधिकतर देशों को अपने खेमे में लाना चाहता था, वही पूंजीवादी गुट या अमेरिका अन्य देशों को अपने साथ शामिल करना चाहता था। इस देश में सबसे विचित्र बात यह रही कि इसमें युद्ध हुआ ही नहीं, इसमें सेना का, तोपों का, टैंकों का, विमानों का निर्माण तो किया गया लेकिन इनका कभी प्रयोग नहीं हुआ। तो ये एक ऐसे युद्ध था दोस्तों जिसमें युद्ध की स्थिति थी, तनाव की स्थिति थी, इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध कह सकते हैं, लेकिन इसमें कभी भी टैंकों, सेना इनका इस्तेमाल नहीं किया गया, ये वास्तविक युद्ध नहीं था। अब हम बात करते हैं इसके थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं कि शीत युद्ध की आखिर शुरुआत किस प्रकार से हुई। तो ये दौर था दोस्तों 1941 का, जब जापान ने सोवियत संघ पर हमला किया था। हम बात कर रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। तो जापान ने क्या किया, 1941 में सोवियत संघ पर हमला किया, और दिसंबर 1941 में जापान ने क्या किया कि अमेरिका के ऊपर भी बमबारी करना शुरू कर दिया। तो इससे हुआ क्या, इसके बाद दोनों गुट, साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट, यानी अमेरिका और सोवियत संघ, मित्रतापूर्वक संबंध में आ गए। हमने पीछे पढ़ा अभी कि सोवियत संघ जो था और अमेरिका जो था, यानी हम कह रहे थे कि मित्र देशों के बीच, दो पूर्व मित्र देशों के बीच ये युद्ध की स्थिति थी सोवियत संघ। तो ये मित्रता जो थी इनकी दूसरे विश्व युद्ध में थी। तो जब दूसरे विश्व युद्ध में दोनों देश ये फासिस्ट तानाशाही को समाप्त करने के लिए मित्र बने, और उसके बाद जब युद्ध समाप्त हुआ, जापान की पराजय हो गई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ, तो दोनों के बीच यानी विश्व में एक विचित्र सी यानी स्थिति उत्पन्न हो गई, और इन दोनों मित्र देशों के बीच यानी साम्यवादी गुट सोवियत संघ और पूंजीवादी गुट अमेरिका, इन दोनों के बीच शत्रुता को जन्म दे दिया इसने। और इस शत्रुता की स्थिति ने युद्ध को जन्म दिया, और इसी युद्ध को हम शीत युद्ध की संज्ञा देते हैं, जिसमें शस्त्रों का, सेनाओं का निर्माण किया गया लेकिन इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। तो ये पहला क्वेश्चन था कि शीत युद्ध आखिर क्या था। अब दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हमारा कि शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण क्या था। तो शीत युद्ध में हमने पहले ही जाना कि दोनों देशों ने क्या किया, अपने सेनाओं का बढ़ाया, टैंकों का निर्माण किया, विमानों को बढ़ाया, यानी हथियार बढ़ा रहे हैं। तो इसमें शीत युद्ध में हमें दोनों ही स्थिति को उजागर करना है कि हथियारों की होड़ और हथियारों के नियंत्रण। तो शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ से अभिप्राय ये था कि दोनों गुट, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट, एक दूसरे पर अधिक प्रभाव रखना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने अपने अपने हथियार के भंडार बढ़ाने शुरू कर दिए, जिससे हुआ क्या कि विश्व में हथियारों की होड़ शुरू की गई। तो ये था दोस्तों हथियारों की होड़। अब हम बात करते हैं हथियारों के नियंत्रण से। तो ये दोनों ही गुट अनुभव करते थे कि यदि युद्ध में इनका आमने सामने हुआ और दोनों देशों ने अगर युद्ध में भाग लिया, युद्ध अगर एक्चुअल में हुआ, तो इससे दोनों ही गुटों को अत्यधिक हानि होगी और विश्व स्तर पर कोई भी विजेता बनकर नहीं उभर पाएगा, क्योंकि दोनों के पास ही परमाणु बम थे, और जब परमाणु युद्ध होता तो दोनों ही इस स्थिति में नहीं होते कि वो उभर कर एक विश्व शक्ति बन पाए। तो दोनों देशों ने क्या किया, ये जरूरी समझा कि युद्ध ना किया जाए, अपने हथियारों की मारक क्षमता
क्षमता को कम किया जाए और हथियारों पर नियंत्रण किया जाए। इस प्रकार से शीत युद्ध के दौरान ये दोनों ही घटनाएं सिद्ध हुई साबित, एक तो हथियारों की होड़ और दूसरा हथियारों पर नियंत्रण। तो आप समझ चुके होंगे कि शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ और हथियारों से नियंत्रण का क्या अभिप्राय है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी। आपने देखा पीछे अगर मेरी बातों पे गौर किया होगा तो मैं बता रहा था आपको कि शीत युद्ध के दौरान देश क्या कर रहे थे, ये दोनों गुट अपने गुटों के यानी अपने गुट में अन्य देशों को शामिल करने का प्रयास कर रहे थे। और यानी इसी से ही अगला क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि जो महाशक्तियाँ थी यानी सोवियत संघ और अमेरिका, ये दोनों ही देश सैनिक गठबंधन अन्य राज्यों के साथ या छोटे देशों के साथ क्यों रखते थे। तो इनका रखने का जो उद्देश्य था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। पहला ये कि ताकि इन देशों में वे अपने हथियार और सेना का संचालन कर सकें। युद्ध के दौरान ये आवश्यक होता है कि आप अपने अधिक से अधिक अपना क्षेत्र का विस्तार कर सके, अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर सके। तो इसी के लिए इन्होंने हथियार और सेना का संचालन करने के लिए इन छोटे देशों के साथ सैनिक गठबंधन किए। दूसरा पॉइंट है, महाशक्तियाँ छोटे देशों में सैनिक ठिकाने बनाकर दुश्मन देशों की जासूसी करते थे। और तीसरा पॉइंट है कि इसके अंतर्गत आने वाले सेनाओं को अपने खर्च पर वो देश रखती थी। यानी जिस देश का सेना जा रही है यानी अमेरिका किसी छोटे देश में अपने सैनिक गठबंधन स्थापित कर रहा है तो उसका खर्च जो है वो देश उठाएगा, वो छोटा देश उठाएगा, जिससे महाशक्तियों को फ़ायदा होता था और उन पर आर्थिक दबाव कम पड़ता था। इसके अलावा चौथा महत्वपूर्ण कारण ये था कि महाशक्तियाँ छोटे देशों पर आसानी से अपनी इच्छाएँ थोप सकती थी, क्योंकि सेना वहाँ होने का अर्थ यही है कि वो छोटी देश उसके नियंत्रण में आ जाएगी कहीं ना कहीं। और नियंत्रण में आ जाने के पश्चात जो बड़ी शक्तियाँ थी या महाशक्ति जिसे हम कह रहे हैं वो छोटे देशों पर अपनी इच्छाओं को थोप सकती है। अब आता है चौथा क्वेश्चन कि शीतयुद्ध काल के दौरान पूर्वी तथा पश्चिमी गठबंधनों की व्याख्या कीजिए। आपको इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया था नाटो, सीटो, सेंटो और वार्सा पैक्ट। तो ये जो गठबंधन थे इन्हीं के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पश्चिमी गुट और पूर्वी गुटों के जो गठबंधन थे उनकी व्याख्या करनी है। पश्चिमी गुट यानी कि अमेरिका, तो पश्चिमी गुट का नेतृत्व तो कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। और इन गुटों में जो थी मुख्य रूप से कौन कौन से गठबंधन थे, इसमें नाटो, सीटो और सेंटो। और इनका निर्माण कब किया गया, नाटो की स्थापना 1949 में, सीटो की स्थापना 1954 और सेंटो की स्थापना 1955 में की गई। तो ये था पश्चिमी गठबंधन। अब हम बात करते हैं पूर्वी गठबंधन की। तो पूर्वी गठबंधन किसके द्वारा स्थापित किया गया, ये था साम्यवादी देश के द्वारा। ये था, इसमें वार्सा पैक्ट की स्थापना की गई, मई 1955 में बनाया गया। और वार्सा पैक्ट जो था दोस्तों ये एक सैनिक गठबंधन था नाटो, सीटो और सेंटो की तरह ही, और ये उसके जवाब में बनाया गया था। और इस गठबंधन में सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गारिया तथा रोमानिया जैसे साम्यवादी देश शामिल थे। तो ये दो गुट थे उस समय शीत युद्ध के दौरान, पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट, यानी हम इसे गठबंधन भी कह सकते हैं, पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन। सोवियत संघ इस गठबंधन का नेता था, किसका, वार्सा पैक्ट का। परंतु जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो फरवरी 1991 में वार्सा पैक्ट भी उसी के साथ समाप्त हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। तो शीत युद्ध में ही हमने पढ़ा उसके अर्थ में ही कि इसमें क्या किया जा रहा था, दोनों देश अपने देशों की संख्या बढ़ाने के, समर्थक देशों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। साथ ही क्या कर रहे थे, ये युद्ध के इसके लिए तैयारी कर रहे थे, मिसाइलों का, टैंकों का, विमानों का निर्माण कर रहे थे। और क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, इसी से रिलेटेड है। तो क्यूबा दोस्तों एक द्वीपीय देश था, एक छोटा सा द्वीपीय देश था। अगर इसकी स्थिति को समझने का प्रयास करें तो ये अमेरिका के जस्ट बगल में एक तटीय देश था क्यूबा। परंतु ये अमेरिका के तट के साथ लगा होने के साथ इसकी विशेषता ये थी कि साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित था, यानी ये साम्यवादी देश यानी जो हम सोवियत संघ की बात करते हैं उसका समर्थक था। तो सोवियत संघ जो था 1960 के दशक में जो है अगर देखें तो शीत युद्ध अपने जोरों पर था, सबसे अधिक तीव्र स्थिति में था शीत युद्ध। सोवियत संघ जो है हर संभव प्रयास करता था कि वो जो है क्यूबा को अब हर तरीके से उसका समर्थन करे, उसको मदद दे, और उसको सोवियत संघ ऐसा करता भी था। लेकिन उन मदद के बावजूद भी सोवियत संघ जो था संतुष्ट नहीं था, और उसे ये डर था कि अमेरिका जो है क्यूबा पर हमला करके उसे अपने अंदर शामिल कर लेगा, अपने साथ मिला लेगा। इसी डर के कारण सोवियत संघ ने क्या किया कि क्यूबा को सहायता देने के लिए
तुरंत उसने क्या किया कि 1962 में जो सोवियत संघ के नेता थे ख्रुश्चेव, उन्होंने क्या किया कि क्यूबा में सैनिक अड्डा स्थापित किया और वहां पे परमाणु प्रक्षेपास्त्र स्थापित कर दिया, यानी न्यूक्लियर वेपन जो है वहां पे स्थापित कर दिया, कहाँ पे, क्यूबा में। अब इसके बाद हुआ क्या दोस्तों कि अमेरिका पहली बार जो विश्व शक्ति के लिए अपने आप को दिखा रहा था कि मैं विश्व शक्ति हूँ, तो वो पहली बार किसी देश के न्यूक्लियर हमले के सामने आ गया, जिससे हुआ क्या कि अमेरिका अत्यधिक डर गया, अमेरिका में हलचल मच गई और अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने अमेरिकी लड़ाकू बेड़ों को, सोवियत बेड़ों को रोकने के आदेश दिए और दोनों ही देश के बीच युद्ध की अत्यधिक स्थिति, भयानक स्थिति प्रकट हो गई और इसे ही हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, इम्पोर्टेंट है ये कि दोनों ही देशों ने जब ये देखा कि अगर युद्ध होता है तो दोनों को ही विनाश का सामना करना पड़ेगा और कोई भी देश विश्व शक्ति बनकर नहीं उभर पाएगी, तो दोनों देशों ने ये निर्णय लिया कि अपने जहाज़ों की गति या तो धीमी कर ली जाए या फिर उन्हें वापस ले लिया जाए।